देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये जो पंखा मैंने बनाया है अपने हाथों से, और इसमें मैं इसका भी काम करता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें मोबाइल वोबाइल भी रख के अपना वीडियो वगैरह शूट कर सकते हैं। इसमें मैंने इसी के लिए ही बनाया था खास करके। आप ये देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये देखिए, ये सेल्फ़ी खींचने वाला सेल्फ़ी स्टिक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इस डंडे में आपने ऐसा डंडा देखा होगा, यहाँ पर मैंने एक कील फंसाया हुआ है। देखिए मैं सारा कुछ डिटेल में दिखाता हूँ। ये किल फिसा, यहाँ पे जो सुराग है, मैं इस सुराग में इसको ऐसे बड़े प्यार से इसमें ऐसे फंसा देता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया डन। अब यहाँ इसमें मैं मोबाइल लगा देता हूँ यहाँ पे, और इसमें मोबाइल लगा कर मैं वीडियो भी शूट कर लेता हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने पंखा बनाया है वो इसके सामने एसी भी फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने किस तरह से बनाया है इस पंखे को। और इसमें मैंने ये केबल टाई लगा करके, ये देखिए साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने केबल टाई लगा के इसको बांध रखा है ताकि पंखा हिले ना मुड़े ना। और एक केबल टाई यहाँ पे लगाया है, और ये पंखा इतना तेज़ हवा देता है कि मैं आपको क्या दिखाऊँ। इसमें मैं चाहूँ अगर, मतलब पहले था यहाँ पे जो ये वाली जगह है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने सोलर जो पैनल अभी मैंने आपको दिखाया था, रुकिए मैं दिखा रहा हूँ सोलर पैनल, मैं चल के आगे दिखाता हूँ। पहले यहीं पे मैंने उसको फिट किया था सोलर को। इसको आप, ये मतलब ऐसा है ना, इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं और कहीं पे भी इसको चला सकते हैं, जिधर मर्जी उधर, कोई खर्चा नहीं है। बिल्कुल बिजली की बचत होगी आपकी, और आप इसको बना करके और बड़े ही आराम से मज़े की हवा ले सकते हैं। देखिए मैं तार इसको जोड़ता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। आप देखिएगा ये तार जुड़ा हुआ है, और ये दूसरा तार मैंने जोड़ दिया। आप ये देखिए अभी चल रहा है, शायद इसकी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, और बड़ी मस्त एकदम झकास हवा देता है ये, मज़ा आ जाता है सच में। और इसको आप कहीं पे ले, बड़ी कंफर्टेबल है, बगीचे में ले जाइए, जहाँ पे ले जाइए। यहाँ पे एक सोलर फिक्स कर दीजिए, सोलर पैनल जो यहाँ पे है वो बांध दीजिए। ठीक है, और फिर जहाँ मर्जी इसको उठा के ले जा करके खड़ा कर दीजिए। इसका स्टैंड कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। ये मैंने एक पुराने कबाड़ी की दुकान से ख़रीदा था स्टैंड को, और ये मैं अपने हाथों से जो है इसको फिटिंग किया हूँ और बना करके ये चल रहा है। और इस यहाँ पे इसके लिए स्विच भी दिया गया है, ये देखिए, या इसके पीछे जो है ये देख सकते हैं, ये स्विच है ये बंद करने के लिए। अभी देखिए ये बंद हो रहा है पंखा, हाँ बंद हो गया। और यहाँ से फिर मैं दबाऊँगा तो चलना शुरू हो जाएगा, देख रहे हैं। अभी देखेंगे आप, ये बंद होगा, हाँ, और चालू करना हो तो फिर यहाँ से मैं दबाऊँगा, ये चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सोलर पैनल के साथ ही चलता है, और इसको तार है, इसको मतलब यह देख सकते हैं मैंने ऊपर जब रखा है सोलर पैनल, ये तार जो जा रहा है ये ऊपर से ही आ रहा है, छत पे रखा हुआ है, और उसी से ये चलता है। तो अगर लाइट आपकी चली जाती है तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, और मतलब बिल्कुल कम्फर्टेबल है गर्मी के दिनों में। अगर बिजली बिजली नहीं होती है, खास करके हमारे यूपी और बिहार या फिर मतलब अलग जो राज्य हैं छोटे मोटे, वहाँ पे लाइट जब नहीं होती है तो लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो हम क्या करते हैं कि इसको सोलर से डायरेक्ट लगा देते हैं और चलाना शुरू कर देते हैं। एक बैटरी आती है छोटी सी, जो मतलब छोटी होती है, वो 500-600 में करीब मिल जाती है, उसके साथ भी रात भर ही कम्फर्टेबल होती है, बड़ी मस्ती से नींद आती है, चलता है। उम्मीद करता हूं दोस्त आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ये मेरी जो मैंने जो इसको बनाया है ये भी आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर पूरी डिटेल्स में मैं इसको बताना मतलब जानना चाहते हैं तो मैं ज़रूर बताऊँगा, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्त, और सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं कोई नई नया अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊँगा और दूँगा, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, और चलिए, थैंक यू।